हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस। ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या तो आम बन चुकी है, यह सब आपको भी पता होगा, लेकिन हम एक अनोखी बात करने जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन की। दरअसल कटनी जिले के बरही क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती, दिन में हजारों बार बिजली का टिप होना व वोल्टेज का सही न रहना, यह आम बात हो चुकी है। और इसी को लेकर कटनी के बरही क्षेत्र के जो रहवासी हैं और कुछ रहवासी उमरिया जिले के भी हैं, उन्होंने मिलकर एक विरोध प्रदर्शन किया है, जिसे आप एक अनोखा विरोध प्रदर्शन भी कह सकते हैं। इस प्रदर्शन की एक खास बात यह रही कि वहां के किसानों व युवाओं के द्वारा आरती की गई और आरती में नारियल व अगरबत्ती जैसा आमतौर पर किया जाता है उन्होंने उपयोग किया। साथ ही उन्होंने काली चूड़ियां लेकर भी जेई बरही के लिए लेकर आए और वह एक अनोखा प्रदर्शन रहा। आपको बता दें कि वहां के किसानों ने बात करते हुए हमें बताया, या कह सकते हैं कि उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर यहां से जेई बरही को हटाया नहीं गया तो फिर जो बिजली की समस्या है, दरअसल वोल्टेज कमी, टिपिंग, इसमें सुधार किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हम उग्र आंदोलन के लिए अग्रसर हो सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट कर किया है इनका, यह अनूठा प्रदर्शन आप देखिए। ये यहाँ के जेई को आरती उतारने आए हुए हैं, नारियल अगरबत्ती धूप लेकर, और साथ में उनकी लचर कार प्रणाली से अपना आक्रोश प्रदर्शित करने के लिए ये चूड़ी बिंदी उन्हें भेंट करने के लिए आए हैं। यह समूचे मध्य प्रदेश में शायद अनूठा प्रदर्शन हो जो बिजली कटौती को लेकर ये आक्रोशित युवा इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले जब से ये नए जेई यहाँ आए हुए हैं तब से यहाँ की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से चौपट है, दिन में कई बार ट्रिप मारती है। साथ में किसान, यहाँ के किसान पीड़ित हैं, एक माह से वर्षा नहीं हो रही है, उनके खेत सूख रहे हैं, धान की फसल सूख रही है, उसके बावजूद भी यहाँ के विद्युत मंडल के अधिकारी होश में नहीं आ रहे हैं, जिसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ के युवा आपके सामने ये देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्यों आप ये विरोध कर रहे हैं? हमारे यहाँ जो है विद्युत मंडल की जो व्यवस्था है बेपटरी हो चुकी है। विगत एक महीने से जब से नए जेई साहब का हमारे बरही आगमन हुआ है, हमारे यहाँ की विद्युत व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। दिन में लगभग 100 से 200 बार लाइट हर 5-10 मिनट पे आने जाना रहता है, और एक बार जब ट्रिप होती है तो लगभग 15 मिनट बाद लाइट का आना होता है। इससे जो है हमारे घरों को जो महंगे उपकरण है, फ्रिज, टीवी, वाशिंग मशीन, ये आपको कैसे सूझा ये प्रदर्शन करने के? हमें इसलिए सूझा क्योंकि हमने इसके पहले भी एक बार जेई साहब को ज्ञापन दिया था कि जेई साहब किसान बहुत त्रस्त है, कर्जे लेकर बैंक से फसल बोता है। क्या प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हमारा प्रदर्शन करने का मतलब ये, हम पिछले बार आए थे तो हमें कार्यालय में जेई साहब नहीं मिले थे, हमने निवेदन किया था जेई साहब किसान की हालत बहुत दयनीय है, हमारे क्षेत्र का आदमी कोरोना की महामारी से। क्या कर रहे हैं आप? हम जेई साहब से हमने ज्ञापन देने के लिए आए थे, जेई साहब नहीं मिले, लचर व्यवस्था है और उससे हम परेशान होकर नगर के नागरिक जो है जेई साहब को चूड़ी और बिंदी भेंट करना चाहिए, भेंट करके अपना विरोध देना चाहते। हमारा संदेश ये है कि जेई साहब यदि आप व्यवस्था नहीं बना सकते हैं तो आप बरही छोड़कर चले जाएं और यदि हमारी ये चूड़ियां पहन लें। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? प्रवीण त्रिवेदी डब्बू। इसके पहले एक मिनट, इसके पहले भी हमने ज्ञापन दिया था किंतु व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ था, इस बार हम निवेदन करते हैं। आपका क्या कहना है? लगातार विद्युत व्यवस्था जिस प्रकार से बेपटरी है, युवाओं के ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, लगातार 6 घंटे युवाओं को अपने एग्जाम देने पड़ते हैं, 11-11 घंटे की विद्युत कटौती में कई युवा जो कि जिनके पास मेरे रोल नंबर और कॉल भी आते हैं, बेचारे अपना पेपर सबमिट नहीं कर पाए, कौन इसका जिम्मेदार होगा? लगातार जिस प्रकार से विद्युत कटौती हो रही है। नवल चतुर्वेदी जी बताएं आपका क्या कहना? देखिए क्या है कि नगर की जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ, सिर्फ नगर में है कि पूरे क्षेत्र में? पूरे क्षेत्र में है, लेकिन बरही के हिसाब से हम अभी प्रॉपर बरही में बैठे हैं, 5-5, 10-10 मिनट में जैसी ट्रिपिंग कर रहे हैं, रात को चजित्ती समय ट्रिपिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं इनसे बोलना चाहूंगा कि भाई यदि आप ये व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं तो हमको दूसरा अधिकारी दीजिए। ये अधिकारियों का भी 10 बार इनको फोन लगाया तो बोले मैं बिचूरा में हूँ, कहीं जाजागढ़ में हूँ। पिछली बार भी हमारे जनप्रतिनिधि वगैरह, हमारे जो नगर के जागरूक लोग, उन लोगों ने ज्ञापन दिया नहीं लेने आया। अभी भी यही स्थिति है, हम ज्ञापन देने आए हैं, अधिकारी यहाँ पर कोई नहीं है। नंद किशोर गुप्ता, नंदू बरही से। जी आप देख रहे हैं कि युवाओं में खासा आक्रोश है, बेतहाशा बिजली कटौती को लेकर लगातार पिछले 2 माह से यहाँ ये समस्या है। शायद इनके प्रदर्शन से सीख लेकर
यहाँ का विद्युत मंडल के अधिकारी जागे और विद्युत व्यवस्था सुचारू करें, जिससे नगर की बिजली आपूर्ति ठीक रूप से संचालित हो सके। साथ ही क्षेत्र के किसान जो अवर्षा के कारण परेशान है, उनकी फसल सूख रही है। धन्यवाद। विद्युत प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद।